रानी कहां चली गई हो तुम? हे भगवान, इसे वापस ले आओ। पता नहीं वो कहां है, किस हाल में। आ जाओ भैया, ये आपके लिए है। ये किसने भेजा? पता नहीं, कोई गार्ड के पास दे गया, बोला अर्जेंट है, अभी खोल लेना। ठीक है, तुम जाओ। खास लोगों के लिए खास तोहफा। तो ईशानी का कड़ा है। ऐसे कैसे? ओह माय गॉड, इसका मतलब उसके हाथ से काट के निकाला। आज उसके हाथ का कड़ा भेज रहा हूं, जैसा कहूं वैसा करना, वरना अगली बार उसका हाथ काट के भेज दो। ईशानी, ज्यादा देर एक ही जगह नहीं रुक सकते, इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। ज्यादा हिलो मत। चलो उतरो, दूसरा स्टॉप आ गया है, उतरो। अरे संभल के, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पति को क्या जवाब दूंगा मैं? चलो। हे, देखो ये सब मेरे साथ मत करना, बेकार होगा। तुम्हारे पति को पहला तोहफा भेज चुका हूं मैं, अब मेरे साथ ज्यादा नाटक करने की कोशिश की तो दूसरा तोहफा भी भेजना पड़ेगा जो पहले तोहफे से ज्यादा खतरनाक होगा। नाउ शट अप एंड मूव। मैं रणवीर बोल रहा हूँ। मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड से बात की, वो लोग बोल रहे हैं कि कोई कुरियर वाला आया था और उसने मेरे नाम का पार्सल दिया और वो चला गया। Yes, Inspector, this man is very dangerous. जब मुझे वो कड़ा मिला तो वो ईशानी के हाथ में था, कहीं वो उसे। जी इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। ईशानी कहाँ हो तुम? भगवान, प्लीज मुझे कोई इशारा दो कि वो ठीक है। चलो चलो जल्दी, चलो। मैंने कहा जल्दी चलो, कहां भागने की कोशिश कर रही हो? जल्दी चलो। मैं बाहर जा रहा हूं, भागने की कोशिश मत करना। मुझे खुद से ज्यादा होशियार लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नो होशियारी, समझे?
हेलो बॉस। हाँ काम हो गया। ईशानी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके चला गया था, वापस आ गया। उसे लगता है नई जगह शिफ्ट कर दिया है, जबकि यू टर्न लेके उसी जगह वापस ले आया। अब उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। अरे ये सब करना पड़ता है बॉस, डोंट वरी, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ छोटू आता ही होगा। या ओके रखता हूँ। ये हवा अच्छी है ना? वैसे जीने के लिए हवा बहुत जरूरी होती है। ए छोटू आ गया? हाँ भैया। लीजिए मैडम, खा लो अपना चाय बिस्किट। मैं तुम्हें भूख से नहीं मारूंगा, मेरे हाथों से मर जाओ मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारी पट्टी निकाल रहा हूं, लेकिन चिल्लाना नहीं, वैसे भी यहां दूर तक तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। नो होशियारी, वरना आरवी को कुछ और भेजना पड़ेगा। छोटू जल्दी से खिला दे। मैं बाहर फोन पे बात कर रहा हूं, खिला के आ जाना। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अगर मेरी ईशानी को एक खरोच भी आई ना, तो याद रखना मैं तुझे गुस्सा मत हो, दुखी हो दुखी, तुम जितना दुखी होगे उतना मजा मुझे आएगा। अब तुझे बताना पड़ेगा कि जब अपने से कोई अलग होता है तो कैसे फील होता है, और तुम अभी तक ये नहीं जानते कि मैं ईशानी के साथ क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी ईशानी को हाथ भी लगा है ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और दम में तो सामने आके हंस। कुछ दिनों के तरह फोन पर क्या बात कर रहे हैं? बता कहां पर है तू? बता। इतना बेताब है मुझसे मिलने के लिए? 4 बजे मिल। कहां पे? अब ध्यान से सुन। मेरी दी हुई रेड और ब्लैक बैग ले और उसमें 20 करोड़ डाल। वहां से मटुंगा बस स्टॉप, उसके बाद सीधा मटुंगा चर्च पे जाना है तुझे। और याद रहे, गाड़ी के साथ नहीं, तुझे बस के साथ आना है। पर याद रखना, मेरी ईशानी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तेरी जिंदगी मौत से पत्थर बना दूंगा। ये जोश मुझे डराने में नहीं, मुझ तक पहुंचने में लगा। पैसे लेके आ और ईशानी तुझे घर पे मिलेगी, हैप्पी एंडिंग। पर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? अगर तुम्हें पैसे देने के बाद भी तुमने ईशानी को नहीं छोड़ा तो? इस वक्त तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भरोसा करना पड़ेगा। पैसे दे, ईशानी ले। और याद रहे, अगर तूने गलती से भी पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो ईशानी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी गारंटी नहीं होगी, किडनैपिंग का केस है, कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, मैं कुछ भी करूंगा ईशानी, पर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रो मत दीदी, कुछ नहीं होगा। पता है मेरे मामा क्या कहते हैं? लाइफ नींबू की तरह खट्टी हो तो क्या हुआ, ये सोचो, इससे नींबू पानी
बहुत अच्छा बनेगा। कौन हो तुम? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो मेरे मामा हैं। मेरी माँ के तरह ही ध्यान रखते हैं। जाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा बात मत करो वरना मामा गुस्सा करेंगे और चॉकलेट भी नहीं देंगे। मत रो दीदी। मैं यहाँ ऐसी हूँ, पता नहीं रणवीर वहां कैसा होगा। काश कि मैं उससे बात कर पाती। ईशानी ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, उसकी एकलौती दुश्मन थी रितिका, वो भी जेल में है। फिर पता नहीं उससे कौन दुश्मनी निकाल रहा है। Who says कि दुश्मनी की असली वजह नफरत ही होती है? Sometimes प्यार में भी दुश्मनी हो जाती है। तो कहना क्या चाहती है? बताना चाहती हूँ कि किसने उसे किडनैप किया है। किसने? शिखर। वाह, शिखर ईशानी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता था। जब रितिका की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो शिखर को लगा कि ईशानी और रणवीर फिर से एक साथ हो जाएंगे। हाँ तो फियर ऑफ लॉस बा, ईशानी को खोने का डर। ईशानी कहीं फिर से रणवीर के पास ना चले जाए, इसीलिए शिखर ने ईशानी को किडनैप करवाया। हर किसी का दिल रणवीर की तरह बड़ा तो नहीं होता ना। शिखर ईशानी का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, इसीलिए इस तरह नहीं तो फिर उस तरह उसे पाना चाहता है। वो ऐसे नहीं है। मेरे भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो जानते थे कि ईशानी रितिका को एक दिन एक्सपोज जरूर कर देगी, और वो ये भी जानते थे कि ईशानी आरवी के पास एक दिन वापस चली जाएगी, पर उन्होंने फिर भी ईशानी को ही सपोर्ट किया। अगर उन्हें डर होता कि ईशानी उनसे दूर चली जाएगी तो वो उसे आरवी के पास क्यों भेजते? नहीं दिल, मेरा वो मतलब नहीं। मैं तो ओम कृष्णा सही कह रही है। आप शिखर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? प्लीज मम्मी जी, आज के बाद मेरे भाई पे ऐसा इल्जाम मत लगाइएगा। ये उनका सैक्रिफाइस ही है जो आज आरवी की हेल्प कर रहे हैं, और आज तक उन्होंने ईशानी को सपोर्ट भी किया है। और जो प्यार में सैक्रिफाइस करना जानते हैं, वो प्यार को तकलीफ देना नहीं जानते। हमें शिखर पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने ईशानी को किडनैप किया है वो बहुत ही डेंजरस है। तुझे कैसे पता चला? ये उसका दिया पार्सल है। ये तो मेरी ईशानी के कंगन है। ऐसे किडनैपर ने मुझे इस बैग में 20 करोड़ डाल के माटुंगा चर्च बुलाया, और इस वक्त शिखर उन कॉन्टैक्ट्स को चेक कर रहा है जिनसे हमने बात की थी, ताकि शानी का पता चल सके। इसलिए वो शिखर तो हो ही नहीं सकता। नहीं। और ये जो भी है ये मेरी पहचान में ही है, जो हमारे घर में मेरे कमरे में घुस गए, हमारे होते हुए ईशानी को किडनैप करके लेकर चला गया। और उसका फोन भी तभी आया जब मुझे ये बैग मिला। इतनी परफेक्ट टाइमिंग उसी की हो सकती है जो हर वक्त मुझ पे नजर रखे हुए। तुम्हें ईशानी के बारे में पता चला? वो कैसी है? नहीं बाबू, ठीक है, बस 4 बजे से पहले मुझे पैसे अरेंज करके उस तक ये बैग पहुंचाना। बेटा हम भी साथ में चलते हैं। नहीं काका, उसने किसी को भी इन्वॉल्व करने के लिए मना किया, हम पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते। आप लोग चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। मैं अभी स्टडी में जा रहा हूँ, 20 करोड़ ऑर्गेनाइज करने।
देखिए इंस्पेक्टर, मैंने उसे बात की है, वो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसा ही करते। देखो अगर उसे पता लगा ना कि मैंने इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व किया है तो वो पता नहीं शानी के साथ क्या करेगा। देखिए इंस्पेक्टर, मैं ईशानी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके फाइन, दो लोग सिविल ड्रेस में, बट प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके फोन उठाओ रणवीर। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, मुझे सेकंड कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज फोन उठाओ रणवीर। हेलो ईशानी, ईशानी कहाँ हो तुम? ईशानी आई ओके? ईशानी तुम बोलो ना, ईशानी तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो। टॉक टू मी ईशानी, उसे तुम्हें कुछ किया तो नहीं? प्लीज बोलो तुम कहाँ पर हो ईशानी, मैं आऊंगा वहां पर। नहीं मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। वो किडनैपर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। कोई है उसके साथ? कोई नहीं रणवीर, वो अकेले। नहीं एक बच्चा मुझे मिले पर तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कहीं पर भी लेकर जाए, मैं तुम्हें छोड़ा लूंगा। रणवीर तुम आओगे ना? हाँ ईशानी मैं आऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगा, यू डोंट वरी। मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर, ईशानी तुम कुछ मत सोचो, बस इतना याद रखो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर प्यार में हम अलग हो सकते हैं, हमारे दिल नहीं। इसलिए ईशानी तुम बस अपने दिल पे हाथ रख के मेरा नाम लो, ट्रस्ट मी आई विल बी देयर, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, और इस बार तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं होने दूंगा। शायद प्लीज अपना ख्याल रखना, मुझे नहीं पता था कि हमसे क्या दुश्मनी है, पर उससे मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, मुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए मुझे भूखा भी नहीं रख रहा। रणवीर वो बहुत अजीब है, पता नहीं उसने क्यों मुझे। उसे हाथ मत लगाना, आई वॉर्न यू, अगर तुम उसे हाथ लगाए तो। टाइम बहुत कम है तेरे पास, अब ध्यान से बात सुन, सिर्फ 2 घंटे हैं यहां पहुंचने के लिए, तुझे अकेले आना है और गलती से भी पुलिस को फोन करने की बेवकूफी मत करना, मेरी नजर तुम पे है। हेलो हेलो हेलो, कम ऑन पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। किसी और को फोन करना है? करना है किसी और का फोन।
तुझे जान से मार दूंगा मैं, समझी?